हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेकानंद शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ कॉलेज अपडेट्स में। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि जो पास आउट है, जो प्रीवियस ईयर के पास आउट है, उनको अपनी डिग्री कब मिलेगी, उसी के ऊपर मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो लाई जाए जिसमें मैं आपको प्रॉपर बता सकूं कि डिग्री आपकी कब मिलेगी और डिग्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और कैसे आपको कब जाना है। तो देखिए, अभी जो डिग्री अवेलेबल हो रही है वो 2016 में जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी थी वो अभी डिग्री अभी अवेलेबल करा रहे हैं इस महीने में। तब देखिए अब आपको क्या क्या लेके जाना है। और बाकी 2017, 18 और 19 का भी मैं बता दूंगा कि उनकी डिग्री किस दिन मिलेगी। देखिए पहले तो मैं 2016 की बात कर लेता हूँ कि डिग्री के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए पहले तो आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है, यानी पहले आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है और दूसरा आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद मिलता है। ये 2016 वाले स्टूडेंट के लिए और जितने भी 2019 तक के पास आउट हैं उनके लिए भी है और 2021 वाले भी हैं, 20 वाले भी है जो अभी पास करेंगे क्योंकि उनको 2 साल बाद डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो भी देख लीजिए इस प्रोसेस को क्या क्या लेके जाना है। दूसरा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। दूसरे नंबर पर आपको गवर्नमेंट एक आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट इश्यू कोई भी आईडी जो गवर्नमेंट से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन में से कोई एक पेन लेके जाना है। जी हाँ, सही समझे आप, SOL के पास पेन की कमी हो चुकी है। SOL ने अब ये भी कहा है कि अब आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन लेके जाना है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को सब एक ही पेन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उसे भी बच्चे लेके चले जाते हैं। इसलिए SOL ने क्लियर कर दिया है कि आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन साथ में लेके जाना है, यानी कैरी करना है अपने साथ में। बाकी एक बात ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं अपने किसी बड़े भाई को बुला लूँ या अपने फलाने दोस्त को बुला लूँ जो मेरे वहाँ रहता है, उसको फ़ोन करके अरे जा तू मेरी डिग्री लिया वो मुझे दे रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। SOL ने कहा है कि सिर्फ स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा डिग्री के लिए, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट जिसकी डिग्री है, जिसने पास आउट की है, अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करी है, वो ही डिग्री के लिए एलिजिबल होगा, यानी उसी को जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि चाचा ताऊ को मैं भेज दूँ या किसी भैया वगैरह को भेज दूँ वो डिग्री ले आएगा, मैं तो घर में अपना ऐस करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा। अब बात रही कि 2016 की मैंने बता दी डिग्री अवेलेबल है, आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। अब बात रही 2017 की डिग्री, जिन्होंने 2017 में भी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी है उनको कब मिलेगी। देखिए उनको 2021 यानी इसी साल मार्च में मिलेगी और जिन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन अपनी क्लियर करी है उनको नवंबर में मिलेगी, यानी इसी साल नवंबर में आपको डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी जिन्होंने 2018 में पास करी है। और जिन्होंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करी है उनको जनवरी 2022 में डिग्री मिलेगी। अब आपको मैंने सब बता दिया, बाकी जो इस साल ग्रेजुएशन करेंगे या जिन्होंने 2020 में ग्रेजुएशन क्लियर करी है उनको अब जोड़ लीजिए 2022, यानी उनको 2023 में जाके डिग्री मिलेगी। अब डिग्री तो आप समझ ही गए डिग्री क्या होती है। डिग्री एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड एक मतलब एक कागज़ में प्रिंटेड होता है, उसमें आपका माइग्रेशन के तहत ही लिखा जाता है कि स्टूडेंट ने मतलब आपके पिता का नाम वगैरह रहेगा और कितने मार्क्स से मतलब कितने डिवीजन से आपने क्लियर करी है, उसको आप फ्रेम करवा के सजा के रखते हो ताकि आपकी शादी वगैरह उससे हो जाती है, क्योंकि इंडिया में डिग्री का काम सिर्फ शादी कराने तक ही सीमित है, जिससे लड़की वाला देखिए समझ ही सकते हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाकी मैंने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पेन का कुछ भी एक, ब्लू पेन ब्लैक पेन लेके जाना खासकर और स्टूडेंट को जाना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ज़रूर, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊँगा। तो बस मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा, थैंक यू।